साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी फार्मेसी पे क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका कमेंट करके आंसर देता हूं, और जो क्वेश्चन अच्छा होता है उस पर मैं वीडियो भी बनाता हूं। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके, डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, बी फार्मा करके, बैचलर इन फार्मेसी करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, मायसेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथ ही साथ मैं कैरियर काउंसलर हूँ साथियों, और मेडिसिन से रिलेटेड और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ साथियों। वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल है ईजी स्टडी फार्मेसी। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, मेरा BCA कंप्लीट हो चुका है और आई साइट वीक है। साथियों, कहने का मतलब विद्यार्थी का जो है BCA कंप्लीट हो चुका है, उसकी आई साइट वीक होने की वजह से आगे जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि BCA अगर किया है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे ही जॉब होगी। कंप्यूटर पे डाटा ऑपरेटिंग से प्रोसेस या बिल बनाना किसी तरह से संबंधित होगी, IT क्षेत्र है या कहीं भी है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहने का मतलब है कंप्यूटर की जॉब नहीं कर सकता विद्यार्थी, क्योंकि आई साइट वीक है। तो साथी विद्यार्थी ने कहा कि सर, क्या डी फार्मा करने के बाद मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों, डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी। साथियों, 12th में बायो या मैथ सब्जेक्ट जिनके पास भी होगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी कोई एक चूज करके एक टाइम में कर सकते हैं। सपोज दैट डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर करते हैं तो वो लेटरल एंट्री करके बाद में बैचलर इन फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो साथियों, विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है, मैं इस पर एक चीज बताऊंगा कि डी फार्मा करने के बाद आपके पास बहुत ऐसे जॉब हो जाएंगे अगर आपकी आई वीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कि आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेट में रहने वाले हैं वहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं में जो है फार्मासिस्ट की सरकारी पोस्ट होती है। साथियों, डी फार्मा की गवर्नमेंट जॉब लगती है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो हॉस्पिटल है उसमें दवा के वितरण और रखरखाव और दवा के डिस्ट्रीब्यूशन और दवा के डोज बताने का काम जो है डी फार्मा का है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। साथियों, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ फार्मासिस्ट जो है क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर जॉब लगती है। केंद्र की ESI है उसमें बी फार्मा डी फार्मा दोनों की जॉब जो है एंट्रेंस के बाद जो पास करेगा उसकी लग सकती है। ये बहुत ही एसोसिएशन के संघर्ष के बाद या जो हमारे सीनियर हैं उनकी अप्रोच के बाद ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी होता है वो क्लिनिकल, डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है और बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है। उसमें क्या है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और दवा बनवाने के निर्माण करने के प्रोडक्शन कंपनी जो होती है जहाँ से दवा बनती है उसमें आप जा सकते हैं। उसमें बहुत सी डिवीजन होती है साथियों, कैप्सूल, कोटिंग टैबलेट, क्वालिटी कंट्रोल और इवन यहाँ तक कि ट्रेनिंग, मतलब जो MR बनते हैं उनका ट्रेनिंग का भी जो है होता है, ट्रेनर की भी जॉब, तो वो बी फार्मा लोग ही उसमें जाते हैं। साथियों, अगर आप डी फार्मा करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा सरकारी जॉब कर सकते हैं, उसके बाद जो है बहुत से हाई रेपुटेड अस्पताल हैं उसमें आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मेदांता है और जो है क्या कहते हैं अपोलो है, इस तरह से बहुत हॉस्पिटल हैं। हर स्टेट में अलग अलग एक लोकल चैन के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और बड़ी अच्छी सैलरी देते हैं। उसमें आपको क्या है मेडिकल स्टोर पे जो है उनकी, मतलब जो पेशेंट है उनको दवा देना है निकाल के। और क्या होता है साथियों, डी फार्मा एक ऐसी विधा है जिसमें आपको जो है हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और हम जब अप्रेंटिस कराते हैं तो उसमें इवन जो वीवो लगाना, IV सेट लगाना, जो है सलाइन कैसे चढ़ता है, हर चीज़ सिखाते हैं। तो प्राइवेट में ये जो है बहुत प्रेफरेंस करते हैं कि आपको जो है नर्सिंग केयर भी आता है तो आपकी फट से जॉब लगेगी। और सरकारी में साथियों क्या होता है, स्टेट में जो है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उसमें भी लगेगी, रेलवे में ऑल इंडिया निकलती है जॉब, उसके बाद आपकी आई वीक है तो आप एयरफोर्स या पुलिस में नहीं जा सकते हैं, आर्मी में नहीं जा सकते, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल है उसमें भी वैकेंसी निकलती है। डी फार्मा किए हुए विद्यार्थी को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है और हॉस्पिटल में उसको दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और रखरखाव भी देखना होता है। उस तरह से क्या है, IFFCO है, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है उसमें निकलती है, और क्या कहते हैं साथियों HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसमें भी इसकी जॉब निकलती है। बहुत सी केंद्र की ऐसे जो है डिपार्टमेंट है जिनके अपने अस्पताल हैं,
उसमें जो है वैकेंसी निकलती है, आप सरकारी को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के बाद मेडिसिन मेडिसिन की जो है सेल का रखरखाव का वो भी काम देख सकते हैं। तो आप के लिए डी फार्मा बहुत ही बेटर रहेगा। 2 साल का कोर्स है, 3 मंथ की जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है। साथियों, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में हम सभी को सिखाते हैं दवा की डिस्ट्रीब्यूशन, इंजेक्शन कैसे लगता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजेक्शन एंड रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और इमरजेंसी जो ड्यूटीज़ होती हैं, 3 टाइप की इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं। मॉर्निंग में होती है शिफ्ट 8 to 2 PM, आफ्टरनून में होती है 2 to 8 PM होती है, नाइट में 8 to 8 AM तक होती है, 8 PM to 8 AM। साथियों, इसमें क्या होता है, मेडिको लीगल ड्यूटी से लेके VIP ड्यूटी सभी कुछ हम सिखाते हैं। साथियों, होता क्या है कि जहाँ भी आपका हॉस्पिटल होगा, 100-bed हॉस्पिटल है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है कि वहाँ कोई भी FIR रजिस्टर्ड होगी। FIR रजिस्टर्ड के बाद जो भी पर्सन FIR कराएगा उसको जो है तुरंत उसका मेडिको लीगल होगा। डॉक्टर के साथ जो है हेल्पिंग में फार्मासिस्ट हमेशा मौजूद रहता है इमरजेंसी में, और उसको मेडिकल लीगल भी करने को सिखाते हैं। तो बहुत ही बेटर रहेगा साथियों, आप जो है डी फार्मा कर लीजिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें क्वेश्चन करेंगे, हम आपका जरूर आंसर देंगे। साथियों, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूब पे चैनल पे लोग जो है वीडियो बनाते हैं, उनका जो उद्देश्य है मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, बट मेरा उद्देश्य क्या है कि लोगों को जो है सही जानकारी देना, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, सरकारी फार्मासिस्ट हूँ। अगर आप क्वेश्चन करते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ, हमें बहुत खुशी होती है। उसके एवज में क्या होता है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमें खुशी एक मिलती है, मतलब एक अंदर से एक ऊर्जा पैदा होती है कि जो नई वीडियो हम बनाते हैं उसको जो है और थोड़ा सा हैप्पीनेस होती है। अदरवाइज हमारा किसी तरह का वो उद्देश्य नहीं है, और हमारा जो है हमेशा फार्मासिस्ट के मतलब ग्रोथ के लिए, और अपने फार्मासिस्ट और संगठन के लिए, और अपने फार्मासिस्ट संवर्ग के लिए हमेशा हमने काम किया है। साथियों, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेके हर तरह की क्वेरी होती है, लोकल में अगर होती है हमारे यहाँ का किसी तरह का क्वेश्चन करता है विद्यार्थी, कुछ पूछता है, तुरंत उसकी मदद करते हैं। यूपी में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं फ़ोन करता हूँ कि सर इसका कर दीजिए। कोई कहता है कि मैं फैजाबाद से हूँ, वहाँ पर मैं उसका हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कराने के लिए सपोर्ट करता हूँ। जितना होता है मैं अपने जो है संवर्ग के हित के लिए काम करता हूँ। तो साथियों, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।